प्रत्येक चंद्रमा में अमावस्या से पहले की रात को शिवरात्रि कहा जाता है। एक कैलेंडर वर्ष में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से जो शिवरात्रि फरवरी मार्च में आती है उसे महाशिवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि ये 12 शिवरात्रियों में सबसे शक्तिशाली है। इस महाशिवरात्रि को और खास बनाने के लिए साधु संत भगवान शिव के एक रूप पशुपतिनाथ जी के दर्शन के लिए नेपाल पहुंचे हैं। लेकिन इस बार की महाशिवरात्रि में आध्यात्म के साथ साथ तकनीक का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। जो साधु संत कभी केवल भगवान की भक्ति में लीन रहते थे, वे आज तकनीक का इस्तेमाल कर और भी ज्ञानी बन रहे हैं और स्मार्टफोन के माध्यम से वो अपने अनुभवों से अर्जित किए ज्ञान को लोगों में फैला रहे हैं। साधु स्मार्टफोन के इस्तेमाल को लेकर क्या बोले, सुनिए। पशुपतिनाथ महाराज जी का दर्शन करने को भी मन हुआ, कई सालों से बन रहा था, तो भगवान की कृपा से, पशुपतिनाथ महाराज की कृपा से वो मनोकामना पूर्ण कर दिया। तो आप क्या फोन, मोबाइल फोन यूज करते हैं? हाँ, मोबाइल फोन यूज करते हैं। कितने साल से यूज कर रहे हैं और किस काम के लिए? ये जो है, ये एक दूसरे से संपर्क करने के लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं, और ये हम लोगों को जो है करीब 10-15 साल से हम लोगों को ये मिला है। 50-60 वर्ष की उम्र में हम लोगों को ये मोबाइल तंत्र की ये व्यवस्था हुई है, और आज के बच्चे तो जब जन्म ले रहे हैं तभी से उनको मिल रहा है, लेकिन हम लोगों को जो है 40-50 वर्ष की उम्र में मिला, तो हमको जो है इससे बड़ा लाभ है मोबाइल से। कम से कम जो है हमारे भगत लोगों से संपर्क करने के लिए एक अच्छा जो है ये साधन है। अब ऐसे स्थानों पे आते हैं तो फोटो वगैरह ये वो अपना चीन जान ले जाएंगे सब लोगों से, नेट होगा, नेट है, किसी भी अपने घर वालों से भी बात कर सकते हैं, अपने गुरु वगैरह से भी बात कर सकते हैं, सबका फोटो वगैरह ले जाएंगे, अपने लोगों को दिखाएंगे, दिया जाके देखो ऐसा ऐसा स्थान है, ऐसा ऐसा लोग है। और फ़ोन का उपयोग बस इसीलिए करते हैं बातचीत करने के लिए, और ऐसा फोटो वोटो ले लिया अपना ना, तो कभी भी दिखाने के लिए यादगार हो गया। कितने साल हुआ आपको ये फ़ोन यूज़ करते हुए? ये तो हो गया हमको 2-3 वर्ष, 2-3 वर्ष से हमारे पास फोन। और बाबा, जैसे मैंने कहा कि मैंने अभी तक साधु लोगों को फोन यूज करते हुए नहीं देखा था, तो आप लोगों आपको साधुओं के पास फोन नहीं, सबके पास मिलेंगे, आप देखेंगे, सब रखते हैं अपना अपना यूज। आप ये यूज का चीज़ हो गया, कथा भागवत जो भी आपका मर्जी आए वो आप सुन सकते हैं, जो भी आप ज्ञान लेना चाहें एक सेकंड में आपको हर सवाल का जवाब है ना, इससे पूछने जाएंगे उससे पूछने जाएंगे, आप नेट से तुरंत गूगल से पूछ सकते हैं कुछ भी बात ना, आपको तुरंत जवाब मिलेगा। हाँ, जिसके बारे में भी आप जानकारी चाहते हैं तुरंत मिलेगा।